कैसे लगी द कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप जी सर, ये पिक्चर नहीं है जी, ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर जी, सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको जी, उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के, मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे, अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। इस ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो, सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं, नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वा, शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा गए, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता, हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए, महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए, और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियाँ देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो।